मैं बरसाना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। धनिया पत्ता को सप्ताह 15 दिन आप अच्छी तरह से हरे भरे रख सकती हैं, और हरी मिर्च भी कुछ ही दिन में फ्रिज में सड़ने लगते हैं, और नींबू, कागजी नींबू बहुत ही हार्ड हो जाता है, जिसे कि काटना मुश्किल हो जाता है। तो शुरू करते हैं। नींबू को कभी भी, या तो आपके पास जाली है, जाली वाला पॉट है तो उसमें रखें, या नहीं तो प्लास्टिक में, कोई भी पॉलीथीन में इसको अच्छी तरह ढक के तब नींबू को रखें। इस ये 15 दिन एक महीना तक आपके नींबू नहीं सड़ेंगे और नहीं खराब होंगे। और हरी मिर्च की डंडी को तोड़ के फ्रिज में एयरटाइट डब्बा में रखना चाहिए। धनिया पत्ता को धो के नहीं रखना चाहिए, न ही मिर्ची को धो के रखना चाहिए। धनिया पत्ता को ऐसे ही थोड़ा सा हवा लगा के इसका डंठल जो है अच्छी तरह काट के, डंडी अच्छी तरह से काट दे, और इसको धोना नहीं है, और जो भी सरा गला पत्ता है इसे भी आप हटा दे। इसे या तो आपके पास थीन पेपर है तो थीन पेपर में लपेट के रखें, या कोई किचन क्लॉथ है उसमें आप इसको चपेट के अच्छा से रख सकती हैं, या नहीं तो पेपर, न्यूज़पेपर होता है उसमें भी रख सकती हैं। मैं थीन पेपर में इसको अच्छी तरह फोल्ड के रखती हूँ। इसको दो भाग तीन भाग में रखें कि जितना जरूरी हो उतना ही आप निकाल के यूज करें। इसका डंठल भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अब सब्जी में काट के डालेंगे तो सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसे ऐसे फोल्ड करके रखते हैं। मिर्ची मैंने करीब 15 दिन पहले इसकी डंठल तोड़ के रखी थी, देखिए अभी तक ये हरे भरे हैं। और इसमें धनिया पत्ता भी रखे थे, देखिए ये भी एक सप्ताह इसमें एक भी पत्ता पीला नहीं पड़ा है। इसको आप ऐसे फोल्ड करके रख सकती हैं पेपर में लपेट के, और ये हरी मिर्च की भी डंठल को हटा के आप इसको डब्बा में स्टोर करके रख सकती हैं। कोई भी प्लास्टिक का एयरटाइट डब्बा हो या ये जाली वाला डब्बा हो, इसमें आप रख सकती हैं। ये बहुत ही उपयोग में आती है, हमेशा हर लेडीज का, ये किचन का, ये तीनों चीज का हमेशा यूज होता है। इसे आप ऐसे रखेंगी तो बहुत दिनों तक आप मिर्च को जो है हरा भरा रख सकेंगे। इसे मैंने इसमें रख दिया। अगर आपको मेरी ये यूजफुल टिप्स पसंद आए तो इस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Thank you.